हेलो क्लास एलेवेंथ स्टूडेंट्स हम लोग द एलियन प्लेनेट ग्रीन रिवोल ग्रीन मूवमेंट रोल पढ़ रहे हैं चलिए हमने uh, काफ़ी uh, कुछ जान लिया है आगे देखते हैं मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इज इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट पॉइंट आउट दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर फोर फिशरीज फॉरेस्ट रासलैंड एंड क्रॉप uh, लैंड और जो मिस्टर लेस्टर एस आर ब्राउन हैं इन्होंने अपनी बड़ी ही सूझबूझ से लिखी हुई किताब जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट वो बताते हैं कि धरती जो है वो मुख्य रूप से चार बायोलॉजिकल सिस्टम से बनी हुई है एक तो है फिशरीज़ दूसरा है फॉरेस्ट तीसरा है ग्रास लैंड और चौथा है क्रॉप लैंड एंड दे द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकनॉमिक सिस्टम और इन चारों को ग्लोबल इकनॉमिक सिस्टम का बैकग्राउंड uh, माना जाता है या फाउंडेशन माना जाता है इन एडिशन टू द सप्लाइंग आवर फोर ये ना सिर्फ़ हमें खाना तो देते ही हैं दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री एक्सेप्ट मिनरल एंड पेट्रोलीम डराइव सिंथेटिक्स और ये क्या है कि ये लगभग सारी चीज़ें सारे रॉ मटेरियल हमें uh, अपनी इंडस्ट्री के लिए मिनरल और पेट्रोलियम को छोड़ के uh, बाकी सभी चीज़ें हमें यहीं से प्राप्त होती हैं इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन क्लेम ऑन दिस सिस्टम are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. अब क्या है ज़्यादा ये देखा गया है कि बहुत सॉरी दुनिया के बहुत सारे एरिया में जो इंसान है, उसने इतना ज़्यादा अपने इसको अपनी ज़रूरतों को अनसस्टेनेबल लेवल तक ले गए हैं कि प्रोडक्टिविटी जो है अब ख़त्म होने लगी है कम होने लगी है इंसान ने इतना ज़्यादा इसको जो स्रोत है हमारे रिसोर्सेज उसको इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया है कि अब प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होने लगी है वन दिस हैपन फिशरीज़ को और जब ऐसा होता है तो क्या होता है मछलियाँ जो है वो कम होने लगती हैं फॉरेस्ट डिजापियर जंगल गायब होने लग जाते हैं ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इन टू बैरन वेस्ट लैंड और जो घास के मैदान होते हैं वो धीरे धीरे करके एक बंजर ज़मीन के रूप में तब्दील हो जाते हैं एंड क्रॉप लैंड डिटोरेट Uh, खेती की ज़मीन खराब हो जाती है इन इन प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंगरी वर्ल्ड ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरी डे अब हम इतने प्रोटीन के मामले में कॉन्शियस हो गए हैं कि प्रोटीन हंग्री हो गए हो गया है पूरा दुनिया और इसलिए ओवर फिशिंग हो रही है और बहुत कॉमन हो गया है ओवर फिशिंग ओवर फिशिंग यानी कि मछलियाँ निकालने का जो काम है एक हद तक होना चाहिए ना नहीं तो आप सारी मछलियों को मार दोगे तो फिर नहीं निकले आगे फिर आपको मछली नहीं मिलेगी खाने के लिए और मछली जो है वो नॉन वेजिटेरियन वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है इसलिए बहुत एकदम बिना बेरोक टोक मछलियों का शिकार किया जा रहा है मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं इन पुअर कंट्रीज़ लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसीमेटेड इन ऑर्डर टू प्रोक्योर फायरवुड फॉर कुकिंग और लोकल फॉरेस्ट में क्या हो रहा है उनके उन्हें काटा जा रहा है ताकि उन्हें खाना बनाने के लिए इंसानों को लकड़ियाँ मिल सके इन सम प्लेसिज़ फायरवुड आर हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव दैट वाट गोज अंडर द पॉट नाउ कॉस्ट मोर दैन वाट गोज़ इनसाइड इट और अब तो फायरवुड कई कई जगहों पर इतना महंगा हो गया है कि आप जो बर्तन में खाना बनाते हो लकड़ी जलाकर उसमें वो सस्ता होता है खाना जो होता है वो कम कीमती होता है बनस्पत के जलावन के सिंस द in ट्रापिकल फॉरेस्ट इज़ इन इनवर्स ऑफ डॉक्टर मायर द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को जो डॉक्टर मायर हैं वो कहते हैं कि ये पावर पावर हाउस है एवोल्यूशन का यानी कि जो हम इंसान का एवोल्यूशन हुआ है पहले से लेके अब तक में तो इस तरह से डॉक्टर मायर ये मानते हैं कि ये पावर हाउस है जंगल जो है पावर हाउस है इवोल्यूशन के जो हमारा क्रमिक विकास हुआ है पहले से लेकर अब तक में उसके उसका ये पावर हाउस है जो ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट होते हैं वो सेवरल स्पीसीज़ ऑफ लाइफ आ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन और जब हम इन ट्रॉपिकल फ़ॉरेस्ट को काट रहे हैं ख़त्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं जो कि इस डिस्ट्रक्शन के कारण ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने वाली हैं इट हैज़ बीन वेल सेट दैट द फॉरेस्ट प्रसिड मैनकाइंड और ये बिल्कुल सही कहा गया है कि मैनकाइंड uh, से पहले फॉरेस्ट था डेज़र्ट्स फॉलो uh, और उसके बाद क्या होगा अब डेज़र्ट फॉलो करेगा यानि कि जंगल uh, जो था uh, इंसान के पहले जंगल था और अब इंसान के बाद क्या रहेगा डेज़र्ट रहेगा द वर्ल्ड एनसियन पैट्रीमनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़ नाउ एरोडिंग एट द रेट ऑफ फोर्टी टू फिफ्टी मिलियन एकड़ अ ईयर और हमारी जो पुरानी पैतृक संपत्ति है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की वो जो है वो इतनी तेजी से ख़त्म हो रही है कि ऐसा माना जा रहा है कि उसका रेट जो है ख़त्म होने का वो फोर्टी से फिफ्टी मिलियन एकड़ हर साल है एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉयल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट natural fertilizer. और लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं लगातार uh, काउडंग जो होता है जो कि बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है उसका इस्तेमाल वो जलावन के रूप में करते हैं इससे क्या हो रहा है कि मिट्टी को जो नेचुरल फर्टिलाइज़र मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट फाइव फोल्ड इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग इज नीडेड टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल वुड डिमांड इन द ईयर टू थाउजेंड और वर्ल्ड बैंक ने एक, एक, एक एस्टिमेट किया है अगर पाँच गुना तरीके से हम पेड़ों को लगाएंगे फॉरेस्ट को बनाएंगे तब जाके हमें ईयर टू थाउजेंड तक हमारी जो डिमांड है लकड़ियों की वो पूरी हो पाएगी Uh, James Speth, the president of the World Resources Institute, said uh, the other day, We are saying uh, that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer uh, to an acre and a half to a second. जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के उनका कहना है कि हम लोग जो है जंगल को पर सेकेंड एक एकड़ और लगभग डेढ़ एकड़ अब तो ये कहा जा सकता है कि लगभग डेढ़ एकड़ हर सेकेंड अपनी ज़मीन जंगल जो है वो खो रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं Article 48A of the Constitution of India provides that the uh, state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest. एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री हमारे यहाँ संविधान का जो आर्टिकल फोटी एट ए है वो ये कहता है कि हर स्टेट जो है वो क्या करेगा ये प्रयास करेगा कि वो अपने जंगल को प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करे और जंगल को बचाए वाइल्ड लाइफ को बचाए देश के बट वाट कॉज इज़ एंडलेस एंगविज इज़ दैट द फैक्ट दैट लॉ आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर इनफोर्सड इन इंडिया लेकिन क्या है सबसे ज़्यादा जो है इन जंगलों को बचाने के लिए जैसा कहा गया है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाएँगे लेकिन क्या है कि हमें हमें इस बात की बहुत नाराज़गी होती है लॉ तो बहुत अच्छा बना है लेकिन इसकी इसका न कभी सम्मान किया जाता है और न ही कभी इसे लागू करने का प्रयास किया जाता है फॉर इंस्टेंस द constitution सेज दैट द कास्टिज्म अन टचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबॉलिस्ड जैसे उदाहरण के लिए uh, संविधान कहता है कि का जात जाति पाति छुआछूत और बॉन्डेड लेबर यानी दास प्रथा जो होती है या आप ये कह सकते हैं बंधुआ मजदूर है ना वो सब ख़त्म कर दिया जाएगा बट दे फ्लारिश शेमलेसली इवन आफ्टर फोर्टी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन ऑपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूशन लेकिन सबसे शर्म शर्मिंदगी की बात यह है कि 40 साल हो गए हमें अपने संविधान को लागू हुए हुए इसके बावजूद भी बेशर्मी से अभी सभी ये परंपराएं जो है बॉन्डेड लेबर की अनटचेबिलिटी की कास्टिज्म की अभी भी हमारे देश में चल रही है एस्टिमेट्स रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट कमिटी हैज़ हाईलाइटेड द नियर कैटेस्ट्राफिक डिप्लिशन ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट ओवर द लास्ट फोर डिकेट्स और पिछले चार चालीस सालों में भारत में एक, एक एस्टिमेट दिखाया गया था जिसमें पार्लियामेंट्स की पार्लियामेंट की एक, एक एस्टीमेट कमेटी थी जिसने ये बात uh, सबको बताई कि बहुत ही बुरा हाल है भारत में फॉरेस्ट का और पिछले चार दशकों में तो बहुत सारे बहुत बहुत बुरे तरीके से जंगल ख़त्म किए गए हैं भारत में इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा इज़ लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ थ्री पॉइंट थ्री पॉइंट सेवन मिलियन टू मिलियन एकड़ अ ईयर और भारत में तो जंगल जो है वो uh, हर साल रेट जो है इसका ख़त्म होने का वो करीब 3.7 मिलियन एकड़ है लार्ज एरिया ऑफिशियली डिज़ाइंड द फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस और बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो कि हीन है बिल्कुल जंगल है ही नहीं वहाँ द एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट इज़ एस्टिमेटेड टू बी अबाउट एट टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाई गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक्स और सरकार जो दिखाती है उसे उसके तुलना में आठ गुना तरीके से हमारा जंगल ख़त्म हुआ है यह डाटा जो है वो ऐसा है कि आठ गुना जंगल ख़त्म हो रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जंगल ख़त्म होने की रफ्तार जो है वो कितनी तेज़ है अ थ्री ईयर स्टडी यूजिंग सेटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफी कंडक्टेड बाय यूनाइटेड नेशन वन दैट द इन्वायरमेंट हैज़ डिटोरेटेड सो बैडली दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज़ इन्वेस्टिगेटेड और ती, तीन सालों की स्टडी हुई है सैटेलाइट और एरियल फोटोग्राफ के द्वारा जो कि यूनाइटेड नेशन ने किया है और उसने सबको चेतावनी दी है कि इन्वायरमेंट की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ एरिया में तो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है करीब ऐटी कंट्रीज़ उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया और पता लगा कि एटी कंट्री में इनकी इन्वायरमेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है बहुत ही ख़तरनाक है देयर कैन बी नो डाउट दैट द ग्रोथ ऑफ़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्टर डिस्टॉर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी और uh, सबसे बड़ा कारण uh, इंसानों की आबादी बढ़ना है है ना उसने भविष्य को ख़राब कर दिया है इट टुक मैन काइंड मोर दैन अ मिलियन ऑफ ईयर्स टू रीच द फर्स्ट बिलियन और इंसान को uh, जो है करीब एक मिलियन ईयर लग जाएगा First billion uh, that was the world population around the year 1800. Um, ये पॉपुलेशन 1800 में थी बाय द ईयर 1900 हंड्रेड सेकंड बिलियन वॉज एडिड यानी फर्स्ट बिलियन जो था उसको वो 1800 में था 1900 में ये सेकेंड बिलियन और एड हो गया एंड द सेंचुरी इट एडिड 3.7 बिलियन और देखिए तीसरा जो 20th सेंचुरी यानी अठारह एटीन सेंचुरी में इतनी थी 19th में इतनी दुगनी हुई और ती, ती, ट्वेंटिय सेंचुरी में थ्री पॉइंट सेवन बिलियन बढ़ गई बताइए द प्रेजेंट वर्ल्ड पॉपुलेशन एस्टिमेटेड एट फाइव पॉइंट सेवन बिलियन आज जो है पूरी दुनिया की आबादी फाइव पॉइंट सेवन बिलियन है एवरी फोर डे द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाई वन मिलियन हर चार दिन में आबादी एक मिलियन बढ़ जाती है फर्टिलिटी फॉल्स एग एज इनकम राइजेज फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है इनकम बढ़ रहा है एजुकेशन स्प्रेड लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं हेल्थ इम्प्रूव पहले की तुलना में हेल्थ अच्छी हो गई है दस डेवलपमेंट इज़ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव हालांकि डेवलपमेंट सबसे अच्छा माना जाएगा बट डेवलपमेंट इट्सल्फ मे नॉट बी पॉसिबल इफ़ द प्रजेंट इनक्रीज इन नंबर कंटिन्यूज़ लेकिन ये डेवलपमेंट ज़्यादा कोई फ़ायदेमंद नहीं हो पाएगा क्योंकि अगर रफ्तार इसी तरह से आबादी बढ़ने की रही तो द रिच गेट रिचर अमीर दिन प्रतिदिन अमीर हो रहे हैं द पुअर बी गेट चिल्ड्रेन गरीब खाने के लिए कुछ नहीं है लेकिन उनके पास बच्चे बहुत हैं विच कंडेम देम टू रिमेन पुअर और बच्चे ज़्यादा कमाने का साधन ना होने बच्चे ज़्यादा होने के कारण वो गरीब के गरीब रह जा रहे हैं मोर चिल्ड्रेन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स ज़्यादा बच्चे होने का अर्थ ये नहीं होता कि काम के लिए लोग ज़्यादा हो जाएंगे घर में मेयरली मोर पीपल पीपल विदाउट वर्क घर में अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ये भी uh, ये ज़्यादातर यही बात होती है कि कुछ लोगों को काम ही नहीं मिलता काम ही नहीं होता उनके पास इट इज़ नॉट

कि ऐसा uh, कोई सलाह नहीं देगा कि इंसान को जानवरों की तरह स्टरलाइज uh, कर दिया जाए पकड़ के कंपल्सरी तौर पे है ना ऐसी सलाह कोई भी नहीं देगा बट देयर इज़ नो अल्टरनेटिव टू वॉल्ट्री फैमिली प्लानिंग विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एन एलिमेंट ऑफ कोअर्सन लेकिन क्या है कि आ, मुश्किल ये है कि और कोई आल्टरनेटिव नहीं है वॉल्ट्री फैमिली प्लानिंग जो है इंट्रोड्यूस तो किया गया है लेकिन इसमें क्या है एलिमेंट ऑफ कोअर्सियन है तो अब मुश्किल ये है कि जबरदस्ती uh, करना ही पड़ेगा तभी कुछ ऐसा हो सकता है वर्ल्ड पापुलेशन कंट्रोल होगा चॉइस इज़ रियली बिटवीन कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एंड पर पिचुएशन ऑफ पॉवर्टी और चॉइस है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल करो और नहीं तो पॉवर्टी कम नहीं हो पाएगी द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ एस्टिमेटेड टूवीन नाइन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन टुडे आज भारत की आबादी नाइन हंड्रेड ट्वेंटी मिलियन है अब तो बहुत बढ़ गई है मोर देन द इंटायर पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका पुट टुगेदर और भारत की आबादी जो है वह अफ्रीका की पूरी आबादी और साउथ अमेरिका की पूरी आबादी जोड़ दी जाए उतनी आबादी भारत की है नो वन फेमिलियर विद द कंडीशन इन इंडिया वुड डाउट दैट द होप ऑफ द पीपल वुड डाई इंडियर हंगरी हटमेंट अनलेस पॉपुलेशन कंट्रोल इज गिविन और टॉप मोस्ट प्रायोरिटी और भारत में कुछ दिन के बाद ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोग ऐसे ही समझ रहे हैं कि कुछ समय ऐसा हो जाएगा कि लोग जो है भूखे मरने लगेंगे अगर हम पॉपुलेशन कंट्रोल न करें तो और देश अगर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इसको ना दे तो यानी देना ही पड़ेगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ह्यूमन हिस्ट्री वी सी ट्रांसेंडिंग कंसर्न द सर्वाइवल नॉट जस्ट ऑफ द पीपल बट ऑफ द प्लानट और अब क्या है पहली बार इंसानी इतिहास में ये देखा गया है कि, कि सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो क्या है सर्वाइव करने की लोगों की लोगों की नहीं बल्कि इस प्लानिट की इस ग्रह की वी हैव बिगन टू टेक अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द वेरी बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस अब हमने होलिस्टिक व्यू लेना शुरू किया है कि हमारी पूरी एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई है क्योंकि है ना इसलिए एंड द इन्वायरमेंट प्रॉब्लम डज नॉट नेसेरली सिग्नल वर्ल्ड विजन सिग्नल आवर डिमाइज़ इट इज़ आवर पासपोर्ट फॉर द फ्यूचर एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है वो ये नहीं बताता कि हम ख़त्म हो रहे हैं और बल्कि ये पासपोर्ट है फ्यूचर का अगर इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा तो हम भविष्य में जा सकेंगे हमारी नई जनरेशन जा सकेगी इमरजिंग न्यू व्यू एनिकोलॉजिकल व्यू सीइंग द वर्ल्ड एज एन इंटीग्रेटेड होल रादर दैन आ डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स इसलिए क्या है कि अब आने वाले समय में लोगों का यही मत हो रहा है कि हमें इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को एक तरीके से दे एक ही रूप में देखना पड़ेगा न कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में इंडस्ट्री हैज़ मोस्ट क्रूशल रोल टू प्ले इन दिस न्यू एरा ऑफ रेस्पांसिबिलिटी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है कि जो नई रेस्पांसिबिलिटी एरा ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आई है उसमें द ट्रांसफॉर्मेशन वुड बी अफेक्टेड इफ़ मोर बिजनस मैन शेयर द व्यू ऑफ चेयरमैन डू पॉइंट अगर ज़्यादातर बिजनेसमैन जो हैं ये चेयरमैन 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 ऑफ डू पॉइंट के व्यूज़ को ध्यान रखें मिस्टर एडगर एस वुलार्ड हो फाइव ईयर एगो डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी द कंपनी द कंपनी इज़ चीफ़ एन्वायरमेंटल ऑफिसर इन्होंने अपने आप को अपनी कंपनी का पाँच साल पहले अपनी कंपनी का एक चीफ एन्वायरमेंट ऑफिसर घोषित किया था ही सेड आवर कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज अ लीडिंग मैन्युफैक्चुरर रिक्वायर दैट वी एक्सेल इन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और उन्होंने कहा कि हमारी जो है लगातार हमारी एग्जिस्टेंस जो है हम ए, हमें ए, एक लीडिंग मनुफैक्चरर के रूप में सबसे पहले एनवायरमेंट के मामले में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस के मामले में अच्छा बनना पड़ेगा अच्छा बनना पड़ेगा कि सामान प्रोड्यूस करने में तो अच्छा हम रहेंगे एनवायरमेंट भी अच्छा प्रोड्यूस करेंगे ऑफ ऑल द स्टेटमेंट मेड बाय मार्गरेट थैचर ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ अर प्राइम मिनिस्टरशिप नन हैज़ पास सो डिसवली इन टू द करेंट क्वाइन ऑफ इंग्लिश यूज एज हर फेलिसिटस वर्ड नो जनरेशन हैज़ अ फ्री होल्ड ऑन द अर्थ ऑल वी हैव इज लाइफ टेंडेंसी विथ अ फुल ऑफ रिपेयरिंग लीज और एक, uh, एक, एक स्टेटमेंट जो है उन्होंने मार्गिट थैचर जो कि इंग्लैंड की, की प्रधानमंत्री रही हैं अपने प्रा प्राइम मिनिस्टरशिप के दौरान उन्होंने ये बात कही थी कि, कि जो किसी को किसी इंसान को धरती जो है फ्री होल्ड के रूप में नहीं मिली है और हम 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 जो है एक टेनेंसी लाइफ टेनेंसी हमारी है तभी तक हम रहते हैं और उसके बाद क्या है जितना इस्तेमाल कर सकते हैं करते हैं भविष्य के लिए हमें उसे छोड़ना होता है सही सलामत इन द वर्ल्ड ऑफ लिस्टर ब्राउन वी हैव नॉट इन्हीटेड दिस हर्थ फ्राम आवर फोर फादर इसी लिए मिस्टर लेस्टर ब्राउन ने भी कहा कि ये धरती जो है हमने इनहेरिट नहीं किया है अपने फोर फादर से अपने पूर्वजों से वी हैवे बोरोड इट फॉर आवर चिल्ड्रन हमने अपने फोर फादर से इसे उधार लिया है बोरो किया है ताकि हम अपने आने वाली जनरेशन या अपने आने वाले बच्चों को इसे दे सकें तो वीडियो कैसा लगा आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे